हेलो एवरीवन, नेमक खाना में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बनाते हैं केरी की चटनी धनिया के पत्ती के साथ। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही यमी बनेगा। इस लॉकडाउन के समय सब्जी की समस्या हो तो अकेला ये चटनी ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। ये रोटी के साथ, पराठे के साथ, टोस्टेड ब्रेड के साथ या दाल चावल के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। बनाएं, खाएं और फिर कमेंट करें। अगर कच्चा आम नहीं है तो इसे इमली के साथ बनाएं, अगर इमली नहीं है तो नींबू के साथ बनाएं, या अगर नींबू भी नहीं है तो इसे साइट्रिक एसिड, जिसे नींबू का सत्व कहते हैं, उसके साथ बनाएं। मैंने यहाँ पर चने का भूंजा इस्तेमाल किया है। अगर चने का भूंजा नहीं है तो चने की दाल को भून कर इस्तेमाल करें, या बेसन की भुजिया इस्तेमाल करें, या अगर वो भी नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिठास पसंद है तो इसमें थोड़ी सी चीनी इस्तेमाल करें। सरसों का तेल पसंद नहीं तो ऑलिव ऑयल में बनाएं। तो आइए एक नज़र चीज़ों को देख लेते हैं। हमने यहाँ पर आधे आम को टुकड़ा करके लिया है, साथ में लिया है 6-7 लहसुन की कलियाँ, 1 टीस्पून हमने चना लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, असल में ये चटनी की नमी को सोख लेता है और इससे चटनी बहुत ही क्रीमी बनती है। हमने यहाँ पर एक थंब साइज का अदरक लिया है, जिसे काट लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं और 1 कटोरी भरकर हमने धनिया की पत्ती को चॉप करके लिया है। यहाँ पर धनिया की पत्ती बहुत ही फ्रेश होनी चाहिए और स्टेम का हिस्सा ना ले तो ज़्यादा बेहतर है, तब धनिया की पत्ती का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। स्वाद के अनुसार नमक लेना है और ये बिहारी चटनी है तो इसमें मस्टर्ड ऑयल का होना ज़रूरी है। जिन्हें मस्टर्ड ऑयल पसंद नहीं वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मशहूर डाइटिशियन रुजुता दिवाकर का कहना है कि चटनी और चटखारेदार चीज़ों के खाने से ब्रेन एक्टिवेट होता है और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है डोपामाइन। इन हॉर्मोन्स का सीधा असर हमारे ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है, जिससे हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी बेहतर हो जाता है, साथ ही हमारा इम्यून सिस्टम भी बूस्ट करता है। और अचार भी कौन सा, वो मार्केट वाला नहीं जिसमें केमिकल की भरमार होती है, आर्टिफिशियल कलर, एसेंस और टेस्ट होता है, बल्कि वो अचार जो हमारी दादियाँ और नानियाँ घरों में बनाया करती थी, जो सीजनल और लोकल सब्जी और फलों से बनाए जाते थे। तो इस तरह का अचार सेहत को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाता है और इसमें आम का अचार और चटनी सबसे ज़्यादा प्रमुख है, सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं। हर घरों में अपने तरीके से बनाई जाती हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं, इसलिए इसको बनाने का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। आप इसे अपनी मर्जी से, अपने पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें मिला सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़ीरा, काली मिर्च या और भी कोई चीज़। ये तो मैंने बस एक बेसिक सा चटनी तैयार किया है। और केरी की चटनी तो हमेशा से बहुत ही लाजवाब रही है, बहुत ही मज़ेदार होती है और सीजनल चटनी है ये, हर घरों में बनाई जाती है। तो इसे आप मेरे तरीके से बना कर देखें। तो चलिए इसे हम एक बार मिक्सी में घुमा लेते हैं। और मिक्सी में चलाने का तरीका ये है कि हमें इसे एक बार ही नहीं पीस लेना है, बल्कि पहले रुक रुक कर इसे चलाना होगा मिक्सी को, ताकि मिक्सी ज़्यादा गर्म ना हो जाए। और चटनी पीसते वक्त हमें ठंडा पानी इस्तेमाल करना होगा, ताकि पॉट जो है मिक्सी का वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए, हरा रंग बर्बाद ना हो जाए। चलिए इसे पीस लेते हैं। रुक रुक कर इसे मैंने 2 या 3 बार घुमाया है और देखिए ये कोर्सली ग्राउंडेड हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाऊंगी और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए ही इसे बारीक कर लेना है। देखिए ये कितनी ज़बरदस्त चटनी बनकर तैयार हुई है। चटनी हमारी काफ़ी वेलवेटी, क्रीमी और मज़ेदार बनी है। और अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। ये सरसों का तेल जो है वो इसका टेस्ट भी है और इसका प्रिजर्वेटिव भी है। ये तेल इसे बिगड़ने से बचाएगा और टेस्ट भी बढ़ाएगा। आप इसे हफ्तों खा सकते हैं, लेकिन इसे बाहर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसे पानी से पीसा है तो ये बिगड़ सकता है। आप इसे फ्रिज के रैक पर रखकर हफ्तों खा सकते हैं।
और टोस्ट के ऊपर आप इसे सैंडविच के लिए भी अगर टोस्ट तैयार कर रहे हैं तो उसके ऊपर लगा सकते हैं, पराठे से खा सकते हैं, और किसी भी तरह की चाट या छोले के साथ आप इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चटनी तो है बहुत काम की, पकौड़ियों के साथ आप इसे समोसे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चटनी को बनाकर रख लें, आगे ये बहुत काम देने वाली है और ये महीनों आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका इम्यून सिस्टम ही बढ़ेगा, ये कोई नुकसान देने वाली चटनी नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा और ये चटनी आपको पसंद आई होगी। तो बने रहें हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें ताकि आपसे मैं जुड़ी रहूं और आपके लिए बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।